ये एक पिंकशिप जिसके स्पॉन होने के चांसेस 0.1%, उसके बाद भी ये सबसे रेयर मॉब नहीं है, क्योंकि मैनगार्ड में कुछ कुछ मॉब ऐसे हैं जिनको पकड़ना आसान है और कुछ को पकड़ना मुश्किल, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही चैलेंज लेने वाला हूं और मैं सारे रेयर मॉब को यहां पे कलेक्ट करने वाला हूं और देखते हैं हम कितने रेयर मॉब कलेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक कि मेरे को सबसे आसान वाले से यहां पे स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे आसान तो यहां पे अपने आसपास ही मिल जाएगा क्योंकि वो रेयर नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो ये अपना वो रेयर मॉब, अभी आप सोच रहे हो तो ये नॉर्मल से सीप है, बट जैसे मैं इसमें यहाँ पे नेम टैग लगाता हूँ तो अपना यहाँ पे ये रेयर मॉब बन चुका है, बल्कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि अब ऐसा मॉब अपने पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो ये तो अपना यहाँ पे पहला मॉब है और मैं यहाँ पे टोटल 12 रेयर मॉब यहाँ पे कलेक्ट करने वाला हूँ, और ये उन सब में सबसे आसान है और आगे आने वाले बहुत ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। बट अभी की प्रॉब्लम ये कि मैंने यहाँ पे रखूंगा कहाँ, क्योंकि मैंने इसे कलेक्ट तो कर लिया बट अभी मैं इसे रखूंगा कहाँ पे। सो आई थिंक इसके लिए मेरे को कुछ बनाना होगा, सो जल्दी से मैं म्यूजियम बना लेता हूँ। तो अपना म्यूजियम यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है और अपना सबसे पहला मॉब भी आ चुका है और अपना म्यूजियम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये कोई जेल नहीं है, एटलीस्ट बाहर से तो जेल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अपना फर्स्ट मॉब आ चुका है और ऐसे यहाँ पे सारे मॉब आने वाले हैं। जो अपने यहाँ पे सेकंड मॉब होने वाला है वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए मेरे को यहाँ पे दूसरे बायोम में जाना होगा, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट मॉब है वो है एक जंगल विलेजर और ये माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट भी नहीं करते लिटरली। पहले मेरे को जंगल बायोम में तो आ चुका, मेरे को यहाँ पे एक विलेज ढूंढना है और ये विलेज सबसे अजीब विलेज में से एक यहाँ पे मिला है मुझे। तो बस मेरे को यहाँ पे विलेजर लेके जाने हैं और इनको मेरे को यहाँ पे ब्रीड करवानी है। आई थिंक ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपना बेड लगा दिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे फूड भी दे देता हूँ, और अब बस मेरे को यहाँ पे वेट करना है और कुछ ही देर में नाइस। सो आई थिंक हमें अपना विलेजर मिल चुका है, तो बस अब मुझे इसके बाबा से अलग करना है। आई स्वेयर गाइस, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बट अब हार्ड पार्ट ये होने वाला है कि इसे जिंदा मेरे को अपने घर तक लेके जाना है। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है, और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आप खुद ही देख लीजिए। ये अभी यहाँ पे मरते मरते यहाँ पे बचा है, और आई थिंक कि मुझे इसे थोड़ा और संभाल के लेके जाना चाहिए। मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं नेदर के थ्रू यहाँ पे जा सकता हूँ, तो आई थिंक कि मैं वही करने वाला हूँ। तो इसी इधर यहाँ पे चलते हैं और नेदर से यहाँ पे लेके चलते हैं इसे। अभी ये वीडियो स्टार्ट ही और इस विलेजर ने मुझे इतना परेशान कर दिया है, बट कोई बात नहीं, इसका नाम यहाँ पे जग्गू रख देते हैं क्योंकि ये जंगल में रहता था। तो अपना सेकंड मॉब भी कंप्लीट हो चुका है, अब अपने यहाँ पे थर्ड मॉब की तरफ चलते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं पिंक सीप कलेक्ट करने जाऊंगा, बट उसी टाइम यहाँ पे थंडर हो जाती है और ये बहुत अच्छा टाइम था अपने लिस्ट के बाकी के मॉब कलेक्ट करने का। और बाहर इतनी तेज यहाँ पे थंडर हो रहा है, मैं यहाँ पे नेम टैग भी लेके जाने वाला हूँ क्योंकि जो मैं कलेक्ट करूंगा अगर वो डिस्पॉन हो गए तो दिक्कत हो सकती है। और देख सकते हैं यहाँ पे थंडर आ चुका है और मैं अपना ट्राइडेंट भी लेके आ चुका हूँ, और अभी मैं यहाँ पे कलेक्ट करने वाला हूँ अपना चार्ज क्रीपर। तो अगर आप थंडर के मौसम में क्रीपर के ऊपर ट्राइडेंट मारते हो तो वो उस पर बिजली गिरती है और वो बन जाते हैं चार्ज क्रीपर। मैं प्रॉब्लम ये होने वाली है मैं इसको लेके कैसे जाऊंगा, क्योंकि उसे लेके जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर वो फट गया तो पक्का मेरा टोटम चले जाएगा। आई थिंक मुझे इसे अपने पीछे पीछे लाना चाहिए तभी मैं कर सकता हूँ। वेट, ये गया कहाँ? ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई मैं सिर्फ 2 ब्लॉक से बचा, मेरा पक्का टोटम जाने वाला था यहाँ पे। तो अपना नेक्स्ट टारगेट सामने है और अपना चार्ज क्रीपर तैयार हो चुका है, अब मेरे को नेम टैग देना है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत संभल के काम करना होगा वरना ये फट गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ओ भाई आज मेरा लक बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहा है, स्केलेटन ने इसे मार दिया और मेरे को सीढ़ी भी मिल गई एक्चुअली, ये आई थिंक गुड है, बट मेरे को चार्ज क्रीपर चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। तो अपना नेक्स्ट टारगेट आ चुका है, आई थिंक सबसे बेस्ट यही रहेगा कि मैं इसे बोट में बैठा दूं और उसके बाद मैं इसे नेम टैग दे सकता हूं। और पता नहीं ज़ॉम्बी क्या सोच रहा है, ये मुझे मार देगा, पता नहीं क्या नूब है ये। बट उससे पहले मेरे को अभी यहाँ पे इसे नेम टैग देना है, और बस नेम टैग दे दिया, अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। तो मौसम साफ हो चुका है, सारे मॉब डिस्पॉन हो चुके हैं, इसका रूम भी सजा देते हैं और इसे लेके आते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे सबसे खतरनाक काम करना है जो कि इस क्रीपर को वहां तक ले जाना है, और एक गलती और मेरा म्यूजियम यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। तो मेरे को काफी ज्यादा संभल के जाना होगा, और आई थिंक कि मैं कर सकता हूँ। मैंने अच्छा खासा यहाँ पे सिस्टम बना दिया है कि ये अंदर आएगा तो मैं यहाँ पे बाहर निकल सकता हूँ, बस ब्लॉक प्लेस करना हो। भाई बच गया मैं, और इसके साथ ये थर्ड मॉब भी अपने म्यूजियम में आ चुका है। तो अपना जो नेक्स्ट मॉब है उसे मिलने के चांसेस 0.1%, और ये सिर्फ हमारे किस्मत से ही मिल सकता है, किसी तरह मेहनत करके नहीं मिल सकता ये, और वो है एक पिंक सीप। बट इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि मेरे को पहले भी मिल चुका है और मुझे पता है कि ज्यादातर कहाँ पे स्पॉन होता है, तो वहीं पे मैं जाने वाला हूँ। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कुछ मॉब्स के लिए यहाँ पे स्पेशल स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे वो ज्यादातर स्पॉन होते हैं, और उसी तरह यहाँ पे मेरे को पिंक सीप यहाँ पे मिली थी, तो वहीं पे मैं आगे पीछे घूमता रहूंगा और देखूंगा काश वो मुझे मिल जाए। और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था क्योंकि पिछली बार जब वो मिली थी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। वेट, क्या ये पिंक सीप है? वेट, ये तो पिग है, हर पिंक चीज पिंक सीप नहीं होती गाइस। तो जैसे मैंने आपको बताया पिंक सीप ढूंढना बहुत ही ज्यादा कठिन है और मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। वेट, दिस वाज इजी, ये मैंने सोचा था ये इतना ज्यादा आसान होगा, मैंने यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट भी लगाया और ये देखो पिंक सीप हमारे पास आ चुकी है, और इसका नाम मैं पिंकी रख देता हूँ फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। और गाइस सच में ये रियल सीप है, तो इसमें ज्यादा डाउट करने की कोई बात नहीं है। आई थिंक कि मेरा गुड लक अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे लेके चलते अपने म्यूजियम में। बस अब मेरे को इसे जिंदा रखना है, अगर ये गलती से मर गया तो फिर पता नहीं मुझे कितना टाइम और लग जाएगा इसे ढूंढने में। और ओ माय गॉड, एक और रेयर मॉब लग रहा है मुझे
पूरा ज़ॉम्बी वो भी गोल्डन आर्मर में, तो मैं इसे यहाँ पे रखने वाला हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका भी नाम रख देते हैं पिंकी, क्योंकि मेरे पास अभी नेम टेक तो नहीं है, और इसे बोट में मैं बिठा देता हूँ, ये हम इसे बाद में लेके जा सकते हैं। बस ये क्रीपर कुछ यहाँ पे गलत ना कर दे, और ये क्रीपर भी बैठ गया है तो ये तो डिस्पॉन हो जाएगा, क्योंकि इसे मैंने नेम टैग नहीं दे रखा। अभी यहाँ पे सीधा अपने पिंक शिप को लेके चलते हैं, अभी उस पर फोकस करते हैं। तो अपनी पिंकी भी यहाँ पे आ चुकी है, बट अब इसके रूम को थोड़ा डेकोरेट करने का टाइम है। तो 3, 2, 1, तो इसका रूम भी मैंने डेकोरेट कर दिया, और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दोनों शिप एक दूसरे के सामने है। बट मुझे अपने जंगल विलेजर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये अकेला है और इसके सामने भी यहाँ पे कोई नहीं, तो इसके यहाँ पे कोई पार्टनर लेके आते हैं। तो इसी के पार्टनर को ढूंढने के लिए मैं आया हूँ स्वाम्प बायोम में, और ये सबसे छोटा बायोम है अब तक का जितना मैंने देखा है, बट इससे हमारा काम हो जाएगा। और मुझे चाहिए स्वाम्प विलेजर, वो भी माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए हमें कुछ और यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, जैसे हमने जंगल विलेजर के लिए लगाया था। तो यहाँ पे मैं 2 नॉर्मल विलेजर लेके आ चुका हूँ, और कुछ ही देर में हमारे यहाँ पे स्वाम्प विलेजर आ जाएगा। आई थिंक ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो। वो आ चुका है, ये हमारा स्वाम्प विलेजर आ चुका है, और ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट विलेजर है। देख सकते हैं इसके सर पे एक पत्ती रखी हुई है, लिटरली दिखने में बहुत ज़्यादा फनी है। तो इसे ले चलते अपने सीधे म्यूजियम में, और कोशिश करने वाला हूँ कि ये ना मरे, वरना मेरे को वापस यहाँ तक आना होगा। तो अपना स्वाम्प विलेजर भी आ चुका है, और इसका नाम मैं भीम रख देता हूँ, क्योंकि ये छोटा है। तो अपना जो नेक्स्ट मॉब होने वाला है, उसके लिए मेरे को यहाँ पर थंडर का वेट करना होगा, तभी हम इसे यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि थंडर कितनी देर में आता है। मेरे वर्ल्ड में थंडर वाकई बहुत ज़्यादा टाइम में आता है, लगभग 1 घंटे बाद ही थंडर आया है। और मैं अपना नेक्स्ट मॉब कलेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि है स्केलेटन हॉर्स, वो भी स्केलेटन के साथ, जो कि नेचुरली स्पॉन होता है, बट उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। जब बिजली गिरती है थंडर के मौसम में, तभी वो स्पॉन हो सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे घंटों यहाँ पे ढूंढने लग जाता हूँ, बट मुझे कुछ नहीं मिलता, और कुछ ही देर में यहाँ पे थंडर भी चले जाता है। यस, तो मेरे को फिर से यहाँ पे वेट करना होगा थंडर का, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर से विदर यहाँ पे चेंज हो चुका है, और थंडर का सीजन आ चुका है, और अब की बार मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरे को मिल सकता है। और इसे थोड़ा और पॉसिबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेंडर डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है, आई थिंक इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। तो इसके बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता रहा, बट फाइनली मुझे वो मिल गया। तो यहाँ पे थंडर गिरा था, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्केलेटन हॉर्स आ चुके हैं, और यहाँ पे स्केलेटन भी है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, मुझे तो इससे कुछ नहीं होगा, बट ये अगर आपस में मर गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मुझे सिर्फ एक स्केलेटन हॉर्स चाहिए और एक स्केलेटन चाहिए, बाकी को मैं इतना ध्यान नहीं देने वाला, तो मैं इस पर ही फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं नेम टैग दे देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे डिस्पॉन ना हो जाए, कहीं मैं ही ना मर जाऊँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज दे रहे। और चारों तरफ अलग अलग मॉब है, और विच भी है यहाँ पे, तो उससे मेरे को संभल के रहना होगा। जिस चीज़ का डर था वही होने लगा, देख सकते हैं ये स्केलेटन आपस में मारने लगे एक दूसरे को। अरे यार, ये ना समझ होते एकदम, मर के मेरे को मारो भाई, उसे मत मारो, मेरा वाला ना मर जाए। मेरे स्केलेटन का नाम बबलू है, और वो नहीं मरना चाहिए, वो लेफ्ट वाला मेरा है और राइट वाला, देखते कौन मरेगा। मेरे को तो वैसे एक ही चाहिए, और हमारे बबलू ने मार दिया, तो मैं इसी को लेके जाने वाला हूँ। और हॉर्स भी लेके चलते हैं, ये भी हमारे काम आ सकता है। तो हॉर्स तो मेरा मर चुका है, बट अपना बबलू आ चुका है, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं और अंदर आ जाए। ये रास्ते में फंस गया है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है, इसे लाने में इतनी दिक्कत हुई है मुझे पता है, तो इसे यहाँ पे बांध देते हैं। तो एक और मॉब आ चुका है अपने म्यूजियम में, और आगे जो मॉब आने वाले हैं उन्हें कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होने वाला, वैसे इसको भी लाना आसान नहीं था। बट अपने नेक्स्ट मॉब की तरफ बढ़ते हैं, और जो अपना नेक्स्ट मॉब होने वाला है, उसके लिए मेरे को यहाँ पे मशरूम बायोम में जाना होगा, जो कि खुद एक रेयर बायोम है, बट उसमें भी हमें एक मॉब मिलेगा जो कि उससे भी ज़्यादा रेयर है। तो मशरूम बायोम में मैं आ चुका हूँ, अब मेरे को यहाँ पे मिलने वाले हैं मशरूम काउज, जो कि खुद में एक रेयर मॉब होते हैं, बट अभी मैं इसे और भी ज़्यादा रेयर करने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं 2 से 3 मॉब लेके जाने वाला हूँ, इतना हमारे लिए इनफ होंगे, तो अपनी म्यूजियम चलते हैं। तो बस अब मेरे को वेट करना है थंडर आने का, तब तक मैं इसके यहाँ पर रूम को डेकोरेट कर देता हूँ। तो थंडर का वेदर आ चुका है, तो अभी टाइम है इन्हें और रेयर बनाने का। तभी ये रेड काऊ है, बट अभी ये बन चुके हैं ब्राउन मशरूम काऊ, और ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और हमारे पास ये आ चुके हैं। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ, एक का नाम पीका रख देता हूँ, और एक का नाम चू रख देता हूँ। तो अपने पास पिकाचू आ चुका है, आई नो कि मैं अच्छे नाम नहीं दे पाता, तो यस, बट हमारे पास एक और रेयर मॉब आ चुके हैं। अब ये ब्राउन मशरूम काउ तो हमारे पास आ चुके हैं, तो एक और मॉब लेके आते हैं जो कि ब्राउन होने वाला है, जो कि हो गया ब्राउन पांडा। इसके स्पॉन होने के चांस लिटरली 1% से भी कम है, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, तो इनको ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ इन्हें यहाँ पे ब्रीडिंग के थ्रू लाने की। और ये देख सकते हैं नॉर्मल सा पांडा, और मेरे को पांडा बहुत ज़्यादा पसंद है, सो एक दो पांडा और लाते हैं और इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। सबसे जितने मैंने मॉब कलेक्ट किए, बहुत ज़्यादा हार्ड था उन्हें कलेक्ट करना, बट अब तक का सबसे ईजी मॉब था ये वाला, अभी आप देखोगे क्यों। तो ये फर्स्ट ब्रीडिंग है, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला। और वेट, क्या ये सच में ब्राउन पांडा? ओह माय गॉड, फर्स्ट ब्रीडिंग में यहाँ पे मेरे को ब्राउन पांडा मिल चुका है। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, पहली ब्रीडिंग में मेरे को ब्राउन पांडा मिल चुका है। मैं यहाँ पे तैयार होकर आया था, कम से कम 2 से 4 घंटे तो आराम से लगेंगे, या फिर एक दिन भी लग सकता था, बट लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये कितना क्यूट लग रहा है दिखने में, अब इसे सिर्फ लेके जाना है मुझे। रास्ते में ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मर गया तो मैं बहुत ज़्यादा रोने वाला हूँ सच में। तो अपना एक और रेयर मॉब आ चुका है, बट ये मेरे को सबसे फेवरेट मॉब लगा अब तक का, ये
बस मेरे को इसे बोट से उतारना है, ये थोड़ा यहाँ पे कठिन हो सकता है और ये इतना बड़ा हो चुका है, ये पांडा से गेंडा बन गया है। बट मैं इसे उतारूँ कैसे, इसे मैं जैसे उतारना चाह रहा हूँ ये इसे ही लग जा रही है, ये मर ना जाए। पहले से यहाँ पे नेम टैग दे देता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे बल्लू रख देता हूँ, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। तो इसकी बोट को तोड़ते हैं और अपना पांडा आज़ाद हो चुका है, अब इसे कैद कर देते हैं। तो अपना पांडा भी डन हो चुका है और लगभग अपना आधे से ज़्यादा म्यूजियम भर चुका है, बट एंड के जो मॉब्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट एक मॉब पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जो कि मैं लेके आने वाला हूँ, वो अपना ज़ॉम्बी है जो कि मैं पहले रख के आया था, और यहाँ पे अपने स्केलेटन हॉर्स पे भी तक है। आई थिंक इन्होंने हेलमेट पहन रखे इसलिए गायब नहीं हो रहे हैं, तो अभी इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं, अपना काम तो हो चुका है। तो ये रहा अपना ज़ॉम्बी, आई नो कि ज़्यादा रेयर नहीं होते हैं बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं इसे अपने म्यूजियम में ज़रूर रखने वाला हूँ। तो अपना एक और मॉब यहाँ पे जेल में आ चुका है, मतलब म्यूजियम में आ चुका है। तो लगभग हमारा सारे म्यूजियम भर चुका है, बस अब 3 सेल्स बचे हुए हैं और इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेयर मॉब आने वाले हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट मॉब की तरफ जो कि होने वाला है ब्लू एक्सलॉटल, और उसके मिलने का चांस है 0.082%। और अब तक मैंने जितने भी मॉब कलेक्ट किए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा रेयर है। तो मैंने जो ये जायंट एक्वेरियम बनाया था इसके अंदर मैंने एक्सलॉटल्स रखे थे, तो इनको अभी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं को मैं ब्रीडिंग करा के कोशिश करने वाला हूँ ब्लू एक्सलॉटल को पाने की। तो मैंने सोचा था कि एक्वेरियम में उन्हें ब्रीडिंग करवाऊंगा, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है पहले से ही, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जो कि अपना मॉडर्न हाउस है। और यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है यहीं पे मैं इनकी ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ, और भी एक्सलोटल है जो कि मैं अभी लेके आऊँगा, फिलहाल इन्हीं से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग को। तो ये हाल हो चुका है मेरे मॉडर्न हाउस का, यहाँ पे मैंने इतने सारे एक्सलोटल यहाँ पे ब्रीडिंग करवा ली, बट यहाँ पे ब्लू एक्सलॉटल का कोई नामो निशान नहीं है, और यहाँ पे मैं वाकई बहुत ही ज़्यादा घंटों से बैठा हुआ हूँ। तो आई थिंक कि अभी इससे मूव ऑन कर देना चाहिए, ब्लू एक्सलॉटल हम बाद में देखेंगे, बाकी के मॉब पहले कलेक्ट कर लेते हैं। रियली जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बहुत ज़्यादा कठिन है, ब्लू एक्सलॉटल सच में बहुत ज़्यादा रेयर है। तो अपने नेक्स्ट मॉब की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाला एक प्लेजर, वो भी पीसफुल, यस। तो उसको हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है, तो फिलहाल अभी पहले प्लेजर को लेके आते हैं क्योंकि नॉर्मल प्लेजर होते हैं और ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है क्योंकि अपना रेट वहाँ बिल्कुल सामने ही है, मुझे पता ही नहीं था कि इतना सामने है, मैं हमेशा नेदर पोर्टल के थ्रू जाता था। तो यहाँ से एक प्लेजर को लेके चलते हैं, यहाँ पे पहले से एक प्लेजर रखा भी हुआ है तो इसे लेके चलते हैं सीधा। तो म्यूजियम तक तो अपना प्लेजर तो आ चुका है, बट अब मेरे को इसको पीसफुल बनाना है और उसके लिए इसके हाथ में जो बो है उसके मेरे को ख़त्म करना होगा, एक्चुअली एरो जितने भी बचे हैं, और इसमें आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है। सो अब बस मेरे को यहाँ पे वेट करना है और अपने आप को बचा के भी रखना है कहीं मैं मर ना जाऊं, तो बस अब वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली ये डन हो चुका है और अपने म्यूजियम में आ चुका है पीसफुल प्लेजर जो कि बहुत इंसेन है, और इसके देख सकते कितने सारे एरो इसने मारे हैं, और मेरे आर्मर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसमें टाइम भी बहुत लगा, बट अब ये हमारा डन हो चुका है। तो अपना सीधा चलते, पहले मेरे आर्मर अपना रिपेयर करना होगा वरना ऐसे मैं कहीं मर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरी सारी एक्सपी भी चली जाएगी। तो बस अब 2 मॉब बचे हैं, उसके बाद अपना म्यूजियम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अपना जो नेक्स्ट मॉब होने वाला है वो होने वाला है चिकन, जो कि जिसके ऊपर एक बीबी ज़ॉम्बी राइड करता है, और इसे ढूंढने में ये वाला फार्म मेरी हेल्प करने वाला है, बट इसे मेरे को थोड़ा मॉडिफाई करने पड़ेगा क्योंकि अभी ये सिर्फ कीपर के लिए है, और इसको मेरे को ऐसा बनाना होगा जिससे इसमें चिकन जॉकीस आ सके। तो मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया और देख सकते हैं इसमें अब सिर्फ चिकन जॉकीस यहाँ पे आएंगे, बाकी जितने मॉब होंगे वो लावा में जाके मर जाएंगे। तो बस अब यहाँ पे एफए करते हैं और देखते हैं कितना टाइम इसमें लगने वाला है, इसमें वाकई बहुत टाइम लगेगा मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं बहुत समय से एफके था, बट अब मेरे को फाइनली देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चिकन्स की आवाज़ भी आ रही है, मतलब यहाँ पे चिकन जॉकीस तो है और यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्रीपर भी है, तो मेरे को क्रीपर से संभल के रहना होगा। और मैं सोचा था बेबी विलेजर मिल जाए तो वो अच्छा है, बट वो तो यहाँ पे नहीं मिला, बट इससे भी हमारा काम हो जाएगा, तो इन्हें को मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ, बट पहले मुझे इन्हें मारना होगा। अब की बार मैं कोशिश करने वाला हूँ कोई बेवकूफ़ी ना करूँ, पिछले बार पता नहीं मुझे वो क्रीपर कैसे फट गया जबकि मैं तो उससे इतना दूर था। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही लेके नहीं जाने वाला हूँ, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्पाइडर वाला स्केलेटन भी है, बट मुझे लगता है कि ये वहाँ तक जा भी पाएगा तो अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी पहले से यहाँ पे लेके चलते हैं। और इसका नाम मैंने छोटी बच्ची रख दिया है, बट ये फैंटम इतने परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, पहले फैंटम से बचना होगा, इनके चक्कर में मैं फैंटम से ना मर जाऊँ। ये छोटी बच्ची कहाँ चले गई, मुझे लगा वो मेरे पीछे आ रहा था, बट अभी उसे लेके आते हैं और ये आ रहे हैं, मेरे को बच के रहना होगा, अगर इसने मेरे को ज़्यादा मारा तो मैं मर भी सकता हूँ, वैसे मरना नहीं चाहिए, पर इससे कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल से मिला ये। अब मेरे को बिल्कुल सही टाइमिंग से इसे यहाँ पे बंद करना है, वरना ये निकल गया तो फिर से यहाँ पे दिक्कत होने लगेगी, तो इसे बंद कर देते हैं। मुर्गी, इस मुर्गी के चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है। इसको थोड़ा और रेयर मॉब बनाते हैं, इसको मैं नाम देने वाला हूँ डिनर बोन,
जिससे ये उल्टा हो चुका है और ये हमारा एक और मॉब यहाँ पे अपने कलेक्शन में आ चुका है। लोगों के सारे मॉब कलेक्ट कर लिया मैंने, बट एक मॉब रह गया जिसको मैंने पहले भी कोशिश की थी, जो कि होने वाला है ब्लू एक्सेलोटर। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि मैं पहले कोशिश कर चुका हूँ, बट हम फिर से कोशिश करने वाले हैं और देखते हैं कितनी देर में हमें मिलता है। हियर वी गो अगेन, हम यहाँ पे फिर से आ चुके हैं और मैंने एक रिसर्च की जिससे मुझे पता चला है कि व्हाइट और पिंक जब ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ब्लू एक्सेलोटर होने वाले हैं, तो मैं वही कोशिश करने वाला हूँ। तो इसके बाद एक्सेलोटर्स के मैं ब्रीडिंग करवाना स्टार्ट कर देता हूँ और इसमें बहुत टाइम लगता है, बट उसके बाद ही मुझे ब्लू एक्सेलोटर के नामों निशान नहीं मिल रहे थे। तभी मुझे याद आया मेरा एक और काम रह गया, जो कि अपने सब्सक्राइबर को शॉर्ट आउट देना। तो सबसे पहला शॉर्ट आउट जाता है अपना डोरीमोन लवर को, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग को एक टोटम बनना था। उसके बाद अपना यहाँ पे सेकंड शॉर्ट आउट जाता है सावन कुमार को, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग को एक नेदरक बनना था। तो इन्हें भी यहाँ पे शॉर्ट आउट मिल चुका है। वाकई बहुत थक चुका हूँ, बट अपना सबसे फेवरेट मॉब तो अपना रैम्बो ही है जो हमारे साथ स्टार्टिंग से ही है। बट अभी मेरे को फिर से जाना है एक्सेलोटर की ब्रीडिंग करवाने, तो चलते हैं। आई डोंट नो इसमें कितना टाइम लगेगा, मैं बहुत समय से यहाँ पे ब्रीडिंग करवा, जरा यहाँ पे फोकस करो। ये एक ब्लू एक्सेलोटर है और मैं इतना बड़ा नूब हूँ कि मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मैं ब्रीडिंग करवाने में यहाँ पे बिजी था और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और इसमें बहुत टाइम लग रहा है। पता नहीं अब कितनी ब्रीडिंग और करवानी होगी इनकी, तभी जाके मेरे को ब्लू एक्सेलोटर मिलेगा। ओ वेट, ये फाइनली मुझे यहाँ पे एक्सेलोटर मिल चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यस, ये वो वाला एक्सेलोटर है जो हमने पहले देखा था, ये दूसरा एक्सेलोटर है क्योंकि जो पहले देखा था हमने वो देख सकते हैं, वो बड़ा हो चुका है। मैं सच में बहुत नूब हूँ। अब मैं ब्लू एक्सेलोटर को यहाँ से निकालूँ कैसे, तो इन सबको मुझे हटाना होगा। तो इसे यहाँ पे हटाते जल्दी से और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को ब्लू एक्सेलोटर मिल चुका है इतनी मेहनत के बाद। वे या यहाँ पे दो एक्सेलोटर कैसे, एक ये रहा, एक छोटा वाला भी है यहाँ पे। यस, आई नाउ रियलाइज कि मेरे को दो एक्सेलोटर मिल चुके हैं इतने एक्सेलोटर को मारने के बाद। तो मुझे यहाँ पे पहले एक एक्सेलोटर मिल चुका था, मैं दूसरे के लिए इतनी मेहनत कर रहा था एक एक्सेलोटर के लिए, मेरे पास दो हो चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था मेरे लिए सच में। तो इन दोनों को म्यूजियम में अपने रख देते हैं और इसी के साथ अपना म्यूजियम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इन दोनों को मैंने नाम नहीं दिया, मैं कमेंट में से जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उनमें से दो बंदों का मैं इनको नाम देने वाला हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ म्यूजियम बनाया जिसके अंदर मैंने सारे मॉब कलेक्ट किए हैं, बट मैंने एक और चीज़ बनाई है जो कि जॉइंट एक्वेरियम, और वो वाली आपका वीडियो देखने तो स्क्रीन पर वीडियो पे क्लिक करें, मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।